हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब आज से 8 महीने या लगभग 1 साल पहले जब मैंने मीशो सेलर पैनल पे अपना अकाउंट क्रिएट किया था, तो उस समय पे मुझे 2 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर ही रिसीव हुआ करते थे। और आज करीब 1 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि मेरी जो एवरेज ऑर्डर है वो 100 से 200 को टच करती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली उन नए सेलर्स के साथ जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ऑर्डर्स की नंबर्स को बढ़ाने के लिए। वो आज भी रुके हुए हैं, अटके हुए हैं 2 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर पे। तो इन 1 साल में मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या वो उपाय लगाए, किस तरह से मैं अपने ऑर्डर्स की नंबर्स को बढ़ा पाया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, कुछ भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई मैंने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करी है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। मैंने बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, जो कि बहुत आसानी से आप लोग भी रख सकते हैं, कर सकते हैं और 100-200 ऑर्डर के लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम अपने ऑर्डर्स के नंबर्स को कैसे बढ़ाएं, हम वो क्या क्या चीज़ करें, क्या क्या उपाय लगाएं, क्या क्या मैकेनिज्म को अपनाएं, क्या क्या तरीकों को अपने सेल्स में ले करके आएं, ताकि हमारे ऑर्डर्स भी आज 10-20 से 100-200 तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर्स को बढ़ाने का और अपने बिजनेस को ग्रो करने का एक ही थंब रूल है और वो है पेशेंस। अगर आप सोचते हैं कि आपने आज मीशो के सेलर पैनल पे अकाउंट बनाया और आज एक ही दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते में ही आपके ऑर्डर 50, 100, 150, 200 हो जाएं, तो गाइज ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कम इन्वेस्टमेंट के साथ। हाँ, अगर आप 5 करोड़, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप स्टॉक को परचेज करते हैं, होल्ड करते हैं, तो हाँ, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आपका बजट लो है, अगर आप कम पैसे में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों, पेशेंस एक बहुत बड़ी की होती है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप ही खुद सोचिए कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन कर पाएंगे। पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, नंबर वन तो ये बात हो गई जी, पेशेंस। अब रही बात कि दूसरा क्या तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप धीरे धीरे, एक बार एक नहीं, धीरे धीरे अपने कैटलॉग्स की संख्या को बढ़ाते जाइए। हर दिन कुछ ना कुछ नया लिस्टिंग कीजिए, मार्केट जाइए, रिसर्च कीजिए, मैं क्या प्रोडक्ट ला सकता हूँ, क्या नया प्रोडक्ट आजकल ट्रेंड में चल रहा है, क्या डिमांड है कस्टमर्स की, जाके आप होलसेल मार्केट में घूमिए। मैं भी घूमता हूँ, धक्के खाता हूँ, कभी सदर बाज़ार जाता हूँ, कभी चांदनी चौक जाता हूँ, कभी भगीरथ प्लेस जाता हूँ। तो आपको ये करना पड़ेगा गाइस, तो आपको कंटिन्यूस रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट्स में जा जाके कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो मैं लाऊं, जिसकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, जिसमें मार्जिन भी अच्छा मिल जाए, और उन प्रोडक्ट्स को लेके आना पड़ेगा और अपने इन्वेंट्री कैटलॉग्स में ऐड करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपकी कैटलॉग्स की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आप ये गौर करेंगे कि आपके ऑर्डर्स के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आज 2 है, कल 5 होगा, परसों 10 होगा, फिर 20 होगा। तो दूसरा तरीका, पहला तरीका मैंने डिस्कस किया पेशेंस, दूसरा तरीका अपने कैटलॉग्स को दिन प्रतिदिन बड़ा करना। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपको प्राइजिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल मार्केट बहुत ही कॉम्पिटेटिव हो गई है, लोग 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के लिए मार्केट प्राइस छोड़ देते हैं। कोई सामान फ्लिपकार्ट पे 150 का मिल रहा है, अमेजोन पे 140 का मिल रहा है, तो लोग अमेजोन से बाई करेंगे, फ्लिपकार्ट से नहीं करेंगे। 10-10 रुपये के लिए लोग मार्केट प्राइस को छोड़ देते हैं। तो आपकी प्राइसिंग इतनी स्मार्ट होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि अगर कोई भी कस्टमर आपके लिस्टिंग, आपके प्रोडक्ट को देखे, तो प्राइसिंग से वो, अगर प्राइसिंग की मैटर है तो आपके प्रोडक्ट्स को ही बाई करें। कुछ इस तरह से आपको अपनी प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तीसरा तो ये हो गया। अब रही बात चौथे स्टेप्स की। चौथे स्टेप्स की ये है कि मीशो का पैनल आपको टाइम टू टाइम प्राइस रिकमेंडेशन भेजता है। प्राइस रिकमेंडेशन को आप देखिए, जज कीजिए कि क्या ये सही है,
क्या मैं इस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, और आपको अगर लगे कि हाँ मैं इस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, तभी आप उस प्राइस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप आंख बंद करके उसके मीशो के प्राइस रिकमेंडेशन को ऑप्ट इन करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है और आपके बिजनेस को काफ़ी घाटा भी हो सकता है। तो दोस्तों, प्राइस रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते समय हमेशा अपने कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर का जरूर यूज करें कि मैंने कितने में लाया, मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, वो है आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी। लिस्टिंग की क्वालिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं कि लिस्टिंग की क्वालिटी का तात्पर्य, उसका मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, इन टर्म्स ऑफ योर टाइटल, इन सभी को मिला के एक लिस्टिंग का निर्माण होता है। और लिस्टिंग की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो बहुत अच्छे ऑर्डर आने की संभावना नहीं हो सकती है। चाहे आपका प्रोडक्ट लाख अच्छा हो, उसकी प्राइसिंग लाख अच्छी है, लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक चीज़ भी गड़बड़ हुई, चाहे वो टाइटल, चाहे वो डिस्क्रिप्शन, चाहे वो प्राइसिंग, चाहे वो इमेज, इमेज का खास तौर पे आपको ख्याल रखना है कि आपकी इमेज बिल्कुल HD क्वालिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको फिर से मैं बात करूँ कि आपको महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कोई DSLR वगैरह नहीं खरीदना है, आप एक छोटा सा लाइट बॉक्स खरीद सकते हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इजीली, आप अमेज़ॉन पे जा करके ले सकते हैं या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, एक लाइट बॉक्स लेना है। और अपना एक स्मार्टफोन जो है वो कम से कम इतना रेंज का होना चाहिए कि उसके बैक कैमरा अच्छा होना चाहिए, उससे पिक्चर्स अच्छी से आ जाए। फिर आप उस लाइट बॉक्स में अपने प्रोडक्ट को रख के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी इन कंपेयर टू अगर आप नॉर्मल जगहों पर रख के अपने प्रोडक्ट की पिक्चर क्लिक करते हैं तो उतनी अच्छी पिक्चर्स की क्वालिटी नहीं आती है। तो आप लाइट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज है तो आप फोटोशॉप में भी अपनी पिक्चर क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किए वो आपके काम के हैं, इससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगी कि लो बजट में भी, लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ये बात तो तय है। अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी लोग कर सकता है, क्योंकि गाइज मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 100-200 ऑर्डर के लेवल तक कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन आज मैं हूँ। मैं आपको मोबाइल में लाइव करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए गाइज, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हूँ, आप यहाँ देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, रेडी टू शिप में देखिए 212 ऑर्डर है, ठीक है, ये कल मॉर्निंग से लेके अभी तक के ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखा भी दिया कि भाई मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली रिसीव कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ को फील करें, आप सभी लोग इस लेवल पे जाएं, तभी तो आप सभी की ग्रोथ होगी। और आपकी ग्रोथ होगी तो मैं सोचूंगा भाई चलो मेरे कुछ बताने से अगर किसी का ग्रोथ हो रहा है तो अच्छी बात है। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी सेलिंग। बाय बाय। We'll be right back.